शादी उदी का क्या है आपका, मतलब कब करना है, मतलब अभी तो टाइम है लव मैरिज या अरेंज। अरेंज करेंगे। हाँ, हम मगही में कोई कलाकार नहीं पसंद है। मगही में नहीं। आज हमारे साथ मुस्कान केटी जी मौजूद है, जो कि मगही के सुपर स्टार हीरोइन है। आज मिल गई है, शूटिंग सेट पे हम लोग है, गाने को लेकर के बात करेंगे और मगही को लेकर के बात करेंगे। स्वागत है सबसे पहले। सबसे मुस्कान, पहले तो सबको नमस्ते। कैसी है? ठीक है। काफी मगही में नेम फेम कमा ली है, काफी गाने भी आप हमेशा ब्लास्ट होते रहता है, दर्शक का खूब प्यार मिल रहा है, क्या कहें? बस मेहनत करते हैं और पब्लिक मेरे को सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, अभी तक किसके किसके साथ में गाना में काम कर चुके हैं? सबके साथ। सबके, जैसे नाम वो आप बोलिए, हम सबके साथ कर चुके हैं, आप बताइए। जैसे कि गुंजन सिंह। हाँ, उनके साथ हो चुका हाँ, है। सीसी यादव, कुंदन बिहारी, मतलब सबके साथ, सबके साथ, सबके साथ भाई इन्होंने गाना में काम कर लिया। ऐसा कोई शख्स नहीं है ना कि मगही में इनका गाना नहीं आया होगा। सबसे ज्यादा मुस्कान जी कौन सा गाना में चला है आपका, जिसमें काम किया? मेरा तो सबसे पहला है डीजल गरिया, जो कि 500 मिलियन है, और उसके बाद फिर आशीष जी के साथ हरदिया, मेरा सबसे बड़ा गाना है, सबसे बड़ा गाना। हाँ। अच्छा, मतलब कि कितना खुश है, कितना इतना मतलब 500,000 मिलियन गाना बजता है किसी हीरोइन मॉडल के लिए, तो कैसा महसूस होता है, कैसा फीलिंग होता है? अच्छा होता है, हम उसमें मेहनत करते हैं, पब्लिक देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, सबसे मगही में कौन लोग मतलब कि सिंगर में अच्छा लगता है आपको? मेरे लिए तो सब बराबर है, सब ठीक है, सब ठीक है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, नहीं। अच्छा, मगही के लिए क्या कहेंगी? एक गुंजन सिंह का बयान आता है कि मतलब कि हम रास्ता बनाए हैं मगही के लिए, कि लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, तो क्या कहना है, सही है गलत? नहीं, रास्ता क्या, सब मेहनत करते हैं, सब गाना करते हैं। आप अब बहुत आदमी बोलते हैं कि मगही मेरा है, मगही मेरा है, हम गाए तो मगही चाहे, ऐसा थोड़ी ना, गाना नहीं गाता मगही नहीं रहता, मगही भाषा रहता है या नहीं रहता, तो गुंजन सिंह जो बोले हैं वो गलत बोले हैं। अब हमको नहीं पता, हम देखे ही नहीं तो हम कैसे बोलते हैं उनको। पूरा वायरल है, उसपे आशीष यादव भी बताते हैं कि कैसे आपने रास्ता बनाया, इस पे वो अपना बयान जारी कर चुके हैं। आशीष जी बोले होंगे तो ठीक ही बोले होंगे, ठीक बोले। अब मेरे को भी नहीं पता उतना। शादी उदी का क्या है आपका, मतलब कब करना है? अभी तो टाइम है, मतलब लव मैरिज या अरेंज करेंगे। हाँ। मगही में कोई कलाकार नहीं पसंद है? मगही में नहीं। बॉलीवुड में तो बहुत सारा देखिएगा, तो आप फैमिली जहाँ पसंद करे। अच्छा, कब से आप काम कर रही है, कैसे इस लाइन में आई? हम, मेरा तो 7-8 साल इस लाइन में हो गया। 8 साल हो गया, कैसे आई, मतलब क्या सोच के आई? बस गरीबी था, शौक था, जितने भी मॉडल है किसी किसी का तो कोई मजबूरी होता है इस लाइन में आने के लिए। मतलब कि आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी ठेकेदार हैं। क्या चीज का? राजमिस्त्री, जो मकान बनाते उनका ठेका चलाते हैं, तो उस टाइम ठेका नहीं चलाते थे? हाँ चलाते थे, पर आजकल मंगाई का जमाना है तो नहीं हो पाता है ना, उससे घर नहीं चलता था। नहीं, भाई भाई हुई? भाई तो पढ़ रहे, मतलब पढ़ रहे कितने? हाँ। कितने अभी छोटे? नहीं, हमसे बड़े हैं। उनका नौकरी लगने वाला है। नौकरी लगने वाला? हाँ। है, वाह भाई वाह, नौकरी लगने वाला है एकदम, तब तो खूब खुशी होगा। हाँ, उन्हीं के लिए तो इस लाइन में आए, कमाए, उनको आगे बढ़ाए। तो बड़ा भाई के लिए आप इस लाइन में आ गई हैं, छोटे भी भाई हैं? हाँ, सबको। बाप रे बाप, देखिए ये भी एक लड़की है भाई, अपने भाई को आगे बढ़ाने के लिए ये आ गई है मगही में, मतलब कि अपना काम करने के लिए। आप कितना पढ़ी हैं आप? अभी तो 9th। 9th में? अभी मेरा उम्र ही नहीं है ज्यादा, तो कितने अभी 17 चल रहा है, ये 2 अक्टूबर को 17 घुसा है। बड़ा कम एज से काम कर रही है? हाँ, 11 साल से इस लाइन में काम कर रहे हैं। तो उस टाइम कितना साल को होंगी महाराज? बोल तो रहे 11 साल मेरा उम्र था। 11 साल से मगही में कर ली है। किसके साथ में पहला गाना की है? पहला गाना तो था एक इंसान के साथ। इंसान? हाँ, हम नाम नहीं उनका बोलेंगे, नाम नहीं बोलेंगे। दीपक राज से अभी कुछ नाराजगी चल रहा है? नहीं, तो नाम नहीं ले रहे कर, बस ऐसे ही नहीं ले रहे, उनका क्या नाम लेना। गाना तो आपका सबसे नेम फेम, गाना मिला है तो क्या, गाना अगर ठीक है, गाना मिल जाएगा तो क्या, आप किसी के बारे में कुछ भी बोल दीजिएगा। उल्टा का बोलते हो?
क्या वो बोलता है कि मेरे को पैदा किया है, माँ बाप मेरा पैदा नहीं, वो ही पैदा किया, किधर से पैदा किया जरा पूछिएगा। अरे गाने में जो काम करता है, ब्लास्ट करता है, तो पैदा क्या करना है क्या? सब हमको पैदा करेगा। और कोई लोग कुछ बोलता है क्या मगही में आपको? नहीं, हम उतना किसी से मतलब ही नहीं रखते। मतलब कोई ट्रोलो करता है, कोई परेशान भी करता है? नहीं। अच्छा, इंडस्ट्री में काफी लड़कियां लोग आके बोलती है कि मतलब कि काम करने के लिए बेड शेयर करना पड़ता है, ये सब करना, तो क्या ये सही बात है या गलत है? बहुत सारी लड़कियां, हमको तो नहीं पता, हम तो अपने काम से मतलब रखते हैं भाई, और ये सब मेरे साथ तो आज तक नहीं हुआ, होगा भी नहीं, क्योंकि मेरे पास टैलेंट है। बिल्कुल। हाँ, तो मतलब कि कोई ऐसा कभी घटना हुआ है आपके साथ? नहीं, कभी नहीं। तो जो लड़कियां आके आरोप जो लगाती है, गलत लगाती है या सही? बहुत सारी लड़कियां आके बताती है। हमको तो नहीं पता ये सब चीज से, हम बहुत दूर रहते हैं और हमको मतलब भी नहीं है। काम के लिए वीडियो डायरेक्टर हो या सिंगर, आपके पास टैलेंट रहेगा तो क्यों कोई बोलेगा? और क्यों कोई बोलेगा, मुंह ना तोड़ दे ऐसे बोल देगा तो? टैलेंट रहे या नहीं रहे, हम सबके लिए बोलते हैं, ऐसे कैसे कोई बोल देगा? शेरनी है भाई, कैसे बोल सकता है? ऐसे नहीं बोल सकता है कोई। लेकिन आती है लड़कियां, आपको भी पता, हम लोग न्यूज कितना चलाए हैं कि हमारे साथ वो ऐसा बोल रहा था, ये ऐसा कर रहा था। अब करने वाला जाना है, हमको तो नहीं पता, हमने सबसे बोले ना, बहुत दूर आते हैं, बहुत दूर रहती है। शादी उदी मतलब कब कर रहा है आपको? टाइम है 5-6 साल। 5-6 साल। चलिए, अब कुछ हम तो आपके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ बोलना चाहे तो बता दे। क्या मतलब कुछ भी, अगर हम कुछ सवाल छूट रहा है हमारा, हम नहीं जानते हैं, उस बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे मेरे दर्शक? आप जितना पूछे ठीक तो पूछे हैं, ठीक पूछे हैं। कैसे, हमको ज्यादा मगही में कभी इंटरव्यू नहीं किए हैं, फर्स्ट टाइम आपका भी आपका भी चैनल पे मेरा पहला इंटरव्यू होगा। बिल्कुल, हमारा न्यूज देखती है आप? हाँ देखते हैं। आता है आपके पास? हाँ। तो हम लोग ज्यादा भोजपुरी में करते हैं, मगही में थोड़े बहुत कलाकार जैसे रोशन रोही, आशीष यादव का एक बार किए, ऐसे करके दीपक राज का भी एक बार, और भी मतलब सौरव सुगम का भी कई गो 3-4 बार इंटरव्यू कर चुके हैं। तो अब हमको पता चल रहा है कि मगही में ये कलाकार काम करते हैं, लेकिन भोजपुरी में हमको सब लोग जानते हैं, भोजपुरी का हम चलाते हैं हमेशा। अच्छा बात है, पैसा ही आगे बढ़ते रहिए, हम सबका न्यूज लेते रहिए। चलिए, चलते चलते क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस दर्शक इतना ही, हम सबको सपोर्ट कीजिए और गंगा न्यूज को भी ढेर सारे प्यार आशीर्वाद दीजिए। बड़ी चुलबुली हमको लग रही है, आपको कैसा लगती है? गाने में कई तमाम गाने इनका 500 मिलियन बता रही है कि चला है, तो आप लोग जरूर बताइएगा इनके बारे में, इनके गाने कैसे लगते हैं, जितने लोग देख रहे हैं क्या सोचते हैं, अगर हम कुछ सवाल छूटता है तो वो भी बताइएगा, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो फिर इनसे सवाल करेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार।